हेलो जेंट्स, आज हम लोग सेमेस्टर टू के फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाने के पहले आपको बता दूं कि मैंने आपका सिलेबस, हमारे यहाँ कॉलेज में सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ है, कोर कोर्स का भी और जनरिक कोर्स का भी। तो आप पूरा जितना पढ़ाया गया पूरा पढ़िए, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में थोड़ा ये पॉइंट्स भी आप देख लीजिए। जो नहीं पढ़े वो कम से कम इतना देख लें, लेकिन जो पढ़े हैं वो पूरा तैयार कर लें और लास्ट मोमेंट पे इतना को रिवाइज कर लें। एक बात और, जब हम इसमें दो पार्ट किया मैंने, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि टॉपिक अगर लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हो सकता है कि वो शॉर्ट में पूछ ले या शॉर्ट वाला कुछ ऐड करके लॉन्ग में पूछ ले। तो आपको उस टॉपिक को कैच करना है कि उस टॉपिक में जो जो चीज़ें इतने अच्छे से पढ़ें, चाहे वो लॉन्ग पूछे, शॉर्ट पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, आप उसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोर कोर्स थ्री का। कोर कोर्स थ्री में हमारा जो है पेपर है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गॉसेस लॉ से, टॉपिक यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ आप डिराइव करेंगे, उसका डिफरेंशियल फॉर्म में उसको लिखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। मैंने एप्लीकेशंस में छोड़ दिया है स्फेरिकल और सिलेंडर लिख के, मतलब स्फेरिकल चार्ज के लिए, सिलिंड्रिकल चार्ज के लिए। तो आप गॉसेस लॉ बेसिकली आपको पूरा कर लेना है। गॉसेस लॉ अगर आता है तो हो सकता है कि स्फीयर का आ जाए, हो सकता है थिन स्फीयर का आ जाए, हो सकता है हॉलो स्फीयर का आ जाए, हो सकता है सॉलिड स्फीयर का आ जाए। तो ये सारे केसेस में कोई एक केस आ सकता है, सारा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सबका सब एक साथ क्वेश्चन में आ जाएगा, बट आपको ध्यान देना है गॉसेस लॉ को ड्राइव करिए, उसका डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव करिए और फिर उसके एप्लीकेशन स्टडी करिए। बेसिकली जनरली स्फीयर्स का आता है, कभी स्फेरिकल सेल के लिए वजह से आ जाएगा, कभी सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा, कोई एक एप्लीकेशन आता है। बट आप सबका किए रहेंगे, कोई भी एक आएगा, सिलेंड्रिकल का भी आएगा तो कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज का भी आएगा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये आर रिलेशन आपको ड्राइव करना है, ये मैंने आपको करवाया है। और यहीं से आप लेके आएंगे लैपलास एंड पॉइजन इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है पोलराइजेशन पे, डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसके बाद इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तीनों के बीच रिलेशन ड्राइव करना है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, पोलराइजेशन वेक्टर पी एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब विद द वेक्टर डायग्राम। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा ये अंडरस्टैंड। तो देखिए, दो ब्रिज आपके पास, तीन ब्रिज हैं। ठीक है, तीन ब्रिज आपको पढ़ना है, एंडरसन, ओन्स और डिसॉर्टी। तो तीनों में कोई एक ब्रिज आई गई है, तो मान के चलते हैं कि एंडरसन हम लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द रिलेवेंट थ्योरी ऑफ एंडरसन ब्रिज फॉर फाइंडिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ये आप प्रैक्टिकल में भी आपको बताया गया है, आप ये इसको कर लेंगे आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है एक ब्रिज आए, एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए, तो ओन ब्रिज कर लीजिए। डिस्क्राइब विद द वेक्टर डायग्राम ओन ब्रिज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। मतलब कि बच गया डिसॉर्टी, डिसॉर्टी का भी शॉर्ट क्वेश्चन में कर लीजिएगा तो बेहतर है, तीनों हो जाएगा, तीन में से मतलब श्योरिटी है। कॉसेस ला करते हैं तो एक एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, तो एक क्वेश्चन श्योर है, पोटेंशियल वाला तो आएगा ही आएगा, पोलराइजेशन से क्वेश्चन रहेगा ही, एंड ब्रिज में तीन में से कोई एक रहेगा ही, एक दो भी रह सकता है बट एक तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप तीनों ब्रिज करते हैं तो आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है सॉल्व करने की। कोई एक करते हैं तो अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूसरा आता है तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए अब तीन ब्रिज है, तीनों को कर लीजिएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन सबका बनेगा बनेगा, प्रॉब्ली एंडरसन ब्रिज ही आना चाहिए। फिर भी आप मान के चलिए कि आप तीनों को पढ़ाया गया, तीनों कर लीजिएगा। अब आ गया एसईआर सर्किट में। तो एसईआर सर्किट क्वेश्चन नंबर सिक्स में, एसईआर सर्किट में दो तरह का आता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो हम पैरेलल इसलिए कर नहीं रहे गए क्योंकि पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था, पिछले के पिछले बार तो पैरेलल आया था, इसलिए मैंने यहाँ, हालांकि मैंने दोनों लिखा है, दो ही क्वेश्चन बनेगा। डिस्कस द बिहेवियर ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट विथ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शार्पनेस, सॉरी एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द शार्पनेस ऑन द क्वालिटी फैक्टर।
सीरीज वाला और पैरेलल वाला। तो गिव द थ्योरी ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, डिस्कस इट्स डायनेमिकल रेजिस्टेंस, व्हाई इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। ये आया है बट हो सकता है रिपीट करें क्योंकि बीच में एक साल गैप गया है, नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं लिया है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास LCR में दो क्वेश्चन है, दो में से एक आता है, दोनों कर लीजिएगा तो प्रायोरिटी 100% हो जाएगी। ब्रिज में तीन क्वेश्चन है, तीन में से एक आएगा, ठीक है। पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला तो आता ही आता है, पोटेंशियल्स का ही क्वेश्चन बनेगा ही, कॉसेटा से क्वेश्चन बनेगा ही। तो आप जितना क्वेश्चन, सब चूंकि 10 क्वेश्चन अगर आप 10-15 क्वेश्चन करते हैं उसमें से अगर 4 क्वेश्चन आराम से लिख के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर आपका जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक फुल चैप्टर ही है, तो इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही, क्वेश्चन नंबर 8 जो है। तो गैल्वेनोमीटर आप कर लीजिएगा तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक चैप्टर पूरा का पूरा एक चैप्टर है इस पर, तो एक क्वेश्चन रहेगा ही। गिव द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, अंडर व्हाट कंडीशन डज ए मूविंग क्वाल गैल्वेनोमीटर बिहेव एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो मैंने क्या बताया, समराइज कर दूँ। पहला पॉइंट नोट करिए, आप जब मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीन को या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल से या सिस्टम पे हैं उसको पॉज करके और लिख सकते हैं। गॉसेस लॉ आपको करना है, गॉसेस लॉ डिटेल में करना है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, एप्लीकेशंस, उससे एक क्वेश्चन होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेडियंट वगैरह से एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आएगा। आपका पोलराइजेशन जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है उससे एक क्वेश्चन रहेगा। और ब्रिज, तीन ब्रिज है, तीन में से कोई एक रहेगा, एंडरसन ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, डिसॉर्टी ब्रिज, तीन कर लेंगे कोई एक रहेगा। LCR सर्किट में दो क्वेश्चन बनेगा, LCR सर्किट का सीरीज और पैरेलल दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इतना क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो लिखने के लिए एग्जाम में आएगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और इसके अलावा तो सब जो आपने किया है, बहुत बार होता है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, ये तो जस्ट ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट यहाँ पे बटन यही चलता है तो मैं यही किस कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अगर आपने फुल स्टडी किया है, कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करवाया गया है कॉलेज में, तो आप अकॉर्डिंगली भी तैयार रहेगा कि अगर उस तरीके से भी कोई डिफरेंट नया क्वेश्चन आता है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो अच्छा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में मैंने भी और भी लिखे हैं, ओके। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस और हैं, ये 9 क्वेश्चन नंबर है, देखा देते हैं। डिस्कस ग्रोथ, या ये भी एक चैप्टर था, मैं भूल ही गया था, डिस्कस ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट्स इन LCR सर्किट। इसमें ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट्स के में LC सर्किट है, RC सर्किट है, LR सर्किट है, LCR सर्किट है, तो कोई एक आ सकता है। तो मैंने इसे मान के मैं चलता हूँ कि LCR सर्किट तीनों आ रहा है, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम्स क्या आने की ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो गया डिस्कस ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट इन LCR सर्किट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटाइजेशन वैक्टर एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड EB और आपका EM और H के बीच रिलेशन निकालना रहता है, ठीक है। और इसमें आपका परमिटिविटी और ससेप्टिविटी के बीच रिलेशन निकालना होता है, तो वो दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जितना मैंने पहले बताया उसमें आपको ये डीके ग्रोथ वाला ऐड कर लेना है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जो BH और M के बीच रिलेशन है, सॉरी BM और बी नहीं है, मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन बी हो गया, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर आपका एम हो गया, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच हो गया। इन बी एम एच के बीच का रिलेशन आपको ड्राइव कर लेना, और साथ में ससेप्टिबिलिटी और डायरेक्ट कॉन्स्टेंट वाला रिलेशन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है यूनिकनेस थ्योरम प्रूव करिए, स्टेट एंड प्रूव द यूनिकनेस थ्योरम। सेकंड है ऑपरेंट गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म फ्रॉम गॉसेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। वो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग का किया था, वो यहाँ पे अगर आप कर लेते हैं तो वहीं से बन जाएगा ये। फिर मैंने वहाँ भी आपको कहा डिस्कस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेशन, अभी हम बोले लॉन्ग क्वेश्चन में, वहाँ कर लें यहाँ कर लें, मतलब कहीं भी आप करें आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि आप किसी क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन का कट करके शॉर्ट कर दे, या शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन बना दे, आपके पास उसको बनाने का
तरीका होना चाहिए, मतलब अगर कोई आता है तो वो चेंज कर रहा है पैटर्न क्वेश्चन, तो आप उसको बना सकते हैं अगर आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है तो। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द गॉसेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक्स, सब उसी से है ये तीन, दो तीन क्वेश्चन सब फर्स्ट पर अगर आप करते हैं पूरा डिटेल वो टॉपिक तो सब आ जाएगा। अच्छा वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी आप क्वेश्चन इसको आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है ये पूरा स्क्रीन पर आया, कोई कट रहा है कुछ। फिर एक्सप्लेन लॉगरिथमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। उसके बाद कुछ नोट्स टाइप से क्वेश्चन है, नोट्स में डिसोटी नहीं लिखा है, डिसोटी भी आप कर लीजिएगा जो मैं वहाँ बता चुका हूँ। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है, डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन, एल सी सर्किट्स, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ करंट क्वाइल इन इनफॉर्मेटिक फील्ड, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी कुछ अगर इतना आप सॉल्व करके या बना के समझ के रट के जाते हैं तो आप मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस किया और पूरे अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर वेरिएशन नहीं रहा पैटर्न नहीं रहा तो। चलिए ये इस पेपर के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट पेपर के लिए फिर डिस्कस करेंगे।